आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसके घटना ने दुनिया की हर एक पहलू को बदल के रख दिया, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ा इतिहास माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में जिसे जानकर किसी का भी रूह कांप उठेगा। इस युद्ध ने इतना तबाही मचाई थी कि दुनिया को आज भी इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। करीब 6 साल तक चलने वाली इस लड़ाई ने इतिहास की सबसे डेडली कॉन्फ्लिक्ट साबित होता है, जिसमें करीब 6 से 8 करोड़ लोग अपने जान को गवाया था। नंबर 17, दूसरे विश्व युद्ध को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ देश की सैनिक ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक भी हिस्सा लिया था। जब पहले कभी युद्ध होता था तभी उस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के बीच ही लड़ाई लड़ा जाती थी, लेकिन इस विश्व युद्ध में सामान्य जनता के ऊपर भी टारगेट किया गया था। उन पर गोले बरसाए गए थे, उनके ऊपर भी हर दम जान का खतरा मंडराता था। नंबर 16, ये युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था और इस युद्ध में दो मेन पावर शामिल था, एक था एक्सिस पावर और एक था एलाइस पावर। एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, हंगेरी और रोमानिया जैसे देश शामिल था, और दूसरी तरफ था एलाइस पावर जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएस और चाइना शामिल था, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच ही लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। नंबर 15, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख और इस इवेंट को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑफिशियली शुरुआत माना जाता है। नंबर 14, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी में एक आदमी राज करता था और आज जिसको इतिहास का सबसे क्रूरता तानाशाह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की। दुनिया को अपने पाँव तले दबाने का सपना देखने वाला हिटलर आज इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध की असल जिम्मेदार माना जाता है। नंबर 13, हिटलर और उनकी नाजी पार्टी ने मिलकर जर्मनी के सत्ता में आते ही इस युद्ध की तैयारी करने शुरू कर दी थी। ये युद्ध तो ऑफिशियली 1939 में शुरू हुई थी, लेकिन इस युद्ध की आग की चिंगारी लग चुकी थी बहुत पहले से ही, जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया था। नंबर 12, जब नाजी पार्टी जर्मनी के सत्ता में आई तब जर्मनी की इकोनॉमिकल ग्रोथ तो हुई थी, लेकिन हिटलर इससे खुश नहीं था क्योंकि वे चाहते थे पूरे यूरोप में है सिर्फ और सिर्फ उनकी शासन चले, और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तब उसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और इसी समय के दौरान बाकी सारे देश भी अपने अपने ग्रुप्स बनाने लगे और दोनों ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज में डिवाइड हो गए, एक हुआ एक्सिस पावर और एक हुआ एलाइट पावर। नंबर 11, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप के कुछ देश ऐसे भी थे जो युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और न्यूट्रल रहा, वो देश है स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 10, इस महायुद्ध के दौरान हिटलर कुछ ऐसे लोगों को बंदी बना के जेल में डाल दिया और उनको मौत के घाट भी उतार दिया, जिन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये लोग थे रोमानी पीपल, ज्यूइश पीपल यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोग, होमोसेक्सुअल्स और जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड थे। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर एक कलंक था जिसको वो मिटाना चाहते थे। नंबर 9, हिटलर की इस इवेंट के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था वो थे यहूदी धर्म को मानने वाले लोग। हिटलर यहूदी लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। हिटलर ने पहले भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हार के लिए यहूदी लोगों पे ही ब्लेम डाला था। नंबर 8, तो हिटलर और नाजियों ने यहूदियों को मिटाने का प्लान बनाया था और जिसे वो नाम दिया था द फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, हिटलर के इस फाइनल सॉल्यूशन अभियान के दौरान उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारवा दिया। ये हॉलोकॉस्ट सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नहीं बल्कि पूरे इतिहास का सबसे भयानक इवेंट कहा गया है।
अगर आप हॉलोकॉस्ट के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, 1940 में जब जर्मन फ्रांस में कब्जा कर लिया तब हिटलर पेरिस आए थे। तब उस समय फ्रेंच रेसिस्टेंस फाइटर्स ने आईफेल टावर्स की एलिवेटर्स को काट दिया था ताकि हिटलर और नाजीज जब भी जर्मन फ्लैग लगाने के लिए आईफेल टावर पर चढ़े तब उन्हें 1600 सीढ़ियां पूरा का पूरा चढ़ना पड़े। नंबर 5, अमेरिका के 41 प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हैवानियत भरे दुर्घटना से बाल बाल बच गए थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए उनकी एयरक्राफ्ट जापानीज द्वारा गिराया दिया जाता है जिसमें वो तो बच जाते हैं और एलाइट फोर्स द्वारा रेस्क्यू भी उन्हें कर लिया जाता है, लेकिन उनकी 8 साथियों को जापानी सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन लोगों को बुरे से बुरे यातना दी जाती है और उन सब की मरने के बाद जापानी सैनिक उनकी मांस खाते हैं। नंबर 4, जैसे ही एलाइट फोर्सेस नाजी जर्मनी को पीछे खदेड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही होती है तब हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में उसकी वाइफ के साथ बैठकर सुसाइड कर लेता है। इसकी ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने एलाइट फोर्स के सामने सरेंडर कर देता है और इसके साथ यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। नंबर 3, जर्मन की सरेंडर से यूरोप में तो ये युद्ध खत्म हो गया था लेकिन अभी भी ये युद्ध अमेरिका और जापान के बीच चल रहा था। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया क्योंकि जापान की कैपिटल टोक्यो शहर के बाद हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया था और वही इंडस्ट्रियल एरियाज को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। नंबर 2, इस परमाणु हमले से जापान की उन दोनों शहरों में इतनी बड़ी बड़ी तबाही हुई कि जापान के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए ठीक उस घटना के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया और उसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। नंबर 1, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि भारत में तब ब्रिटिशों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, फिर भी इस युद्ध की प्रभाव भारत में भी देखने को मिली, जैसे बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, जिसे हम बंगाल की अकाल कहते हैं, जिसे दुनिया के इतिहास में भयानक घटनाओं में शामिल किया गया है। भूखमारी के कारण बंगाल में ना जाने कितने आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े मौत के नींद सो गए। लगभग 30 से 40 लाख लोगों की यहाँ पे भूख के कारण मृत्यु हो गई। अब युद्ध में मरना तो आसान है क्योंकि गोलियों से या बम से कोई भी झट से मर सकता है, लेकिन अगर किसी को खाना ना मिले ना और वो भूखा रहे तो वो तरप तरप कर मरता है। इसलिए युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता और ना ही यहाँ पे कोई जीत पाता है, सिर्फ और सिर्फ करनी पड़ती है हार का सामना, चाहे वो शांति की हार हो या इंसानियत की हार। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कुछ आपको जानने को मिली हो और इसी तरह का अमेजिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर। जय हिंद।